इस वीडियो में हम देखेंगे जैसे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में हम कुछ ड्राइंग बनाते हैं, एमएम में हो, मीटर में हो, इंच में हो, वो ड्राइंग का कभी कभी हमको यूनिट देना होता है। जैसे 200, ये ड्राइंग में देखिए, जैसे हमारा लेंथ 200 mm होना चाहिए, 150 mm से शो होना चाहिए। तो इस टाइप का अगर आपको लिखना है या टाइप करना है तो कैसे करते हैं? तो इसके लिए बहुत अच्छा सिंपल ट्रिक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये डायमेंशन हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे हमको क्या करना है, जो 200 mm लिखा है ना, 200 लिखा है उसमें हमको 200 mm लिखना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, डिम पोस्ट में जाना है, डिम पोस्ट आपको टाइप करना है, उसके बाद एंटर न्यू वैल्यू डिम पोस्ट आपको यहाँ पे लिखना है आपको mm, और एंटर करना है। उसके बाद आपको डायमेंशन देना है, डायमेंशन जाके लीनियर में यहाँ पे देखिए हमारा जो यूनिट है वो mm में आ गया है, 200 mm। तो इस टाइप आप जितना भी डायमेंशन क्रिएट करोगे ना, वो डायमेंशन आपको mm में आ जाएगा। इस टाइप का आपका आ जाएगा। जैसे आपको यही डायमेंशन सेम डायमेंशन है, लेकिन आपको कर क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर लिखना है आपको। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ आपको सेम प्रोसेस करना है। डिम पोस्ट और यहाँ पे आपको लिखना है मीटर और एंटर करना है। उसके बाद आपको डायमेंशन में जाके आपको दोनों पॉइंट को क्लिक करके ऊपर लिखना है आपको, इस टाइप का आपको मीटर आ जाएगा। तो इस टाइप के आप क्या कर सकते हो, ऐड डायमेंशन यूनिट टू द डायमेंशन मेजरमेंट, मतलब आप क्या कर सकते हो, कोई भी डायमेंशन के साथ आपको इसका यूनिट आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।